नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे का बयान आया, भविष्य की हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। आर्मी चीफ नरवाणे जवान हमारी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी है। आर्मी चीफ नरवाणे का यह बयान, भविष्य की हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं, जवान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। आर्मी चीफ नरवाणे ये कहते हैं, आदेश हुआ तो पीओके में कार्रवाई करेंगे, संसद चाहेगी तो पूरा पीओके हमारा होगा। नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे का यह बयान, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी, भविष्य की हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं, भारतीय सेना तैयार है, जवान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, आर्मी चीफ ने यह बात कही है। और अगर आदेश हुआ पीओके में कार्रवाई करेंगे, संसद चाहेगी तो पूरा पीओके हमारा होगा। आर्मी चीफ नरवाणे ने क्या कुछ कहा आपको दिखा रहे हैं। द फिजिकल वन इट कैन बी इन वेरियस अदर रेल्म्स ऑफ इन टेक्नोलॉजी ऑफ कमिंग टू ईच अदर्स असिस्टेंस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल and so on and so forth. So that is the context in which these statements were made. As far as restructuring is concerned, we are going forward with a number of initiatives. Four studies were ordered by my predecessor. All of them are at various stages of either government approval और फाइनलाइजेशन इन हाउस। वन स्टडी वॉज ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर्स इटसेल्फ टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टू हैव अ बॉडी फॉर एपिक्स डिसीजन मेकिंग। This has been submitted to the government and we are now only awaiting the formal approval. But pending the formal approval, we have also decided to try out whether it works, so that when the approval comes, which is a matter of any time now, so when the approval comes, should there be certain, as I mentioned, mid-course changes required, some fine-tuning required, we would be able to incorporate that right at the outset rather than later in the day. The second study was on the integrated battle groups to make the army future ready and more capable of carrying out its tasks. अमित दुबे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, इसी खबर पर हम उनसे जानकारी लेते हैं। अमित, नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद का यह बयान, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी, क्या कुछ संदेश दिया है आर्मी चीफ ने? देखिए, जाहिर तौर पे सेना किस तरह तैयार है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब से कुछ दिन पहले ही थल सेना अध्यक्ष ने सियाचिन का दौरा किया था और किस तरह के वहां पे हालात है, किस तरह चीजें, उन सारी चीजों को और तैयारियों का मुआयना किया था। और जिस तरह से पाकिस्तान से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि छह आतंकियों का खास दस्ता जो है वो पाकिस्तान में तैयार किया गया है, भारत हमले के लिए फिराइन हो सकते हैं ये, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान लगातार काम कर रहा है। तो अब क्योंकि डिसीजन जो है खासतौर पर सरकार को लेना होता है, तो जाहिर तौर पर सेना अध्यक्ष ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं कि सेना जो है पूरी तरह से तैयार है, सरकार के आदेश का इंतजार है। सरकार जब भी आदेश देगी, तो चाहे पीओके की बात हो या अन्य की बात हो, सेना उस पर तुरंत ही कार्रवाई करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो सरकार का आदेश, संसद का आदेश सर्वोपरि है। नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद का यह बयान, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी है।